झारखंड के प्रजापति कुमार महासंघ के तत्वधान में रामगढ़ जिला कुमार प्रजापति महासंघ का एक दिवसीय सम्मेलन चित्तरपुर के सौन स्थित मॉडल राजलक्ष्मी में किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान जिला कमेटी का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें राधा विनोद प्रजापति अध्यक्ष और महासचिव उमेश प्रजापति को बनाया गया। साथ ही अन्य पदों के साथ कार्यकारिणी सदस्यों को भी जिम्मेवारी सौंपी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद बैरवो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि कुम्हार प्रजापति महासंघ का उद्देश्य है कि राज्य के हमारे 32 लाख वोटरों को एकजुट करके लोकतंत्र में अपनी मजबूत भागीदारी को लेकर सभी सार्थक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गोला दुमका बुंडू टमाड़ में हमारा टूल रूम स्थापित है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जैना मोड़ में 250 करोड़ की लागत से टूल रूम बनाने वाले, जहां मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद के साथ समाज के पढ़े लिखे युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कवायद चल रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। देखिये, झारखण्ड प्रजापति कुमार महासंघ रामगढ़ जिला का आज सम्मेलन था, जिसमें रामगढ़ जिला का संगठन का पुनर्गठन हम लोगों ने किया, जिसकी घोषणा आपको पता चला कि सम्मान मिल जाएगा। और उद्देश्य यह है कि झारखंड प्रजापति कुमार महासंघ के माध्यम से हम पूरे राज्य के 32 लाख लोगों को, जो 32 लाख वोटर, हम सबको एकजुट कर करके और एक संगठित रूप एक अपनी ताकत आज के इस लोकतंत्र में हमारा सांगठनिक स्वरूप खड़ा है, और इस संगठन के माध्यम से कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में हमारा 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, और कुछ विधानसभा तो ऐसे हैं जहां 35,000, 40,000 तक वोटर हैं। आप सबको पता है कि जहां बरहेट से हमारे मुख्यमंत्री अभी चुनाव जीते हैं, वहां हमारी संख्या 40,000 की है कुम्हारों की। तो ये हमारा एक संगठन माने ताकत है, और उस ताकत के माध्यम से हम राजनीतिक जो उपेक्षित रहे हैं राजनीतिक जनप्रतिनिधि के माध्यम करके लिए, तो उसका हम अधिकार चाहते हैं। दूसरा है कि माटी कला बोर्ड का हम लोगों ने गठन किया। माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो आज आधुनिक रूप से उद्योग के माध्यम से उद्योग का रूप देते हुए, और भारत सरकार ने इसको MSME में जोड़ करके इस उद्योग का मान्यता दिया है, और उसके माध्यम से हम आज के दिन में जो मार्केट का डिमांड है, उस मार्केट के डिमांड को हम झारखंड में ही पूर्ति करें, बाहर से उत्पादन मिट्टी का न आवे, ऐसा हमारा प्रयास है। और उसके लिए हम लोगों ने तीन तीन टूल रूम, आपका गोला में टूल रूम है, आपका दुमका में टूल रूम बना है, आपका हम लोगों का ये तमाड़ में, गुंडू तमाड़ में टूल रूम बना हुआ है, तीन जगह प्रशिक्षण कुम्हारों का हो रहा है। और इसके अलावा आज सब आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा टूल रूम हमारा बोकारो, हमारा विधानसभा का जैना मोड़ में है, टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें ये भी है कुम्हार माने मिट्टी का बर्तन का बनाने का भी है, उसकी भी स्वीकृति हो गई है, और वो 250 करोड़ का केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है।